25 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। सुन के अजीब लग रहा है ना, मुझे भी लगा था। तो आज इसी बात पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम राम नारायण राम और आज हम यही बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित जो थे संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार ने एक बात कही कि 25 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तथ्य तो होंगे उनके पास, जानते हैं उनसे कि किस फैक्ट्स के आधार पर, किन तथ्य के आधार पर वो ये बोल रहे हैं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी, साथ ही साथ उपस्थित हैं हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, आपने अगले एपिसोड में, पिछले एपिसोड में कहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी 25 साल में। नहीं, दुनिया खत्म नहीं होता है, धरती कहाँ जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा, जीव खत्म हो जाएगा, फिर नया इंसान नया जीव फिर आ जाएगा। डीएनए तो रहेगा, जमीन का नीचे जाएगा तो ऊपर में भी तो रहेगा, वो आसमान में तो है ही है। तो हम लोग तो आसमान में थे, आसमान से तो आया है। हम लोग तो धरती का नीचे नहीं थे, धरती कहाँ से आया, ये पृथ्वी कहाँ से आया, आसमान में इतना तारे नक्षत्र तो सूरज सौरजगत गैलेक्सी कहाँ से आया, आसमान से आया। तो हम लोग धरती ऊपर का चीज, मिट्टी का नीचे, भूमिकंप क्या बोलते, भूकंप आ जाएगा तो क्या होता है, चीटी और पंछी चीटी ये लोग को पता हो जाता है, चूहा बिल्ली ये भागते भागना शुरू कर देता है। तो हम भी तो चीटी चूहा बिल्ली का मापी हमारा जान है, हमको मालूम हो जाता है। हम देख रहा है, अगर सब आदमी मिलके राम नाम कीर्तन नहीं करेगा, पॉल्यूशन को नहीं हटाएगा, जो मैनमेड धर्म का पॉल्यूशन हो गया धरती का ऊपर, जो कार्बन जम गया, इसको ठीक करने के लिए राम नाम कीर्तन करना है। क्यों? ये राम नाम आसमान का नाम है, प्रकृति का नाम है। प्रेसिडेंट, किस बेस पर आप ये कह रहे हैं कि 25 साल के बाद सारी दुनिया मतलब लोग खत्म हो जाएंगे? किस कुछ तो आपके पास फैक्ट्स होंगे। बोलिए, हमारा जब भूख लगता है उस टाइम आपको भूख लगता है? नहीं। तो हमको तो भूख लगा है, वो बताता है 25 साल। अच्छा। तो आपको तो नहीं बताएगा, क्यों? आप तो प्रकृति का इंसान नहीं है, आप प्रकृति का दास नहीं है, आप खुद का मालिक है। हम तो प्रकृति का दास है। तो प्रकृति ने आपको कैसे बताया, मतलब आपको इंट्यूशन आया, सपना आया, कुछ तो आया होगा। आगे जाने से जिसको प्यास लगता है ना, तो जितना समुद्र का सामने जाएगा वो ठंडी हवा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वो ठंडी हवा आपको बताएगा सामने पानी है। जहाँ ज्यादा पानी होता है, हवा पानी का साथ मिलके ठंडी हवा बन के इंसान का सामने आ जाता है। तो आदमी को पता हो जाता है ये ठंडी हवा हमको पानी का तरफ, जल्दी हमको पानी मिलने वाला है, सामने हमारा पानी है, ऐसे पता होता है। ये खुल के बताने का बात नहीं है। देखिए, ये प्रकृति का नियम है, ये हम बताएंगे तो स्कूल का जो टीचर होता है साल भर उसको पढ़ाता है, एबीसीडी बताता है, सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो साल में 2-3 दफे एग्जामिन होता है। जब फाइनल एग्जामिन साल में एक दफे लास्ट आखिर में होता है, तो वो जो टीचर वो पढ़ाता है साल भर, वही तो क्वेश्चन बनाता है। फिर स्कूल में जाके क्लास में क्वेश्चन देता है, पेपर देता है, तुम क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक। तो टीचर लोग घूम घूम के देखता है कोई स्टूडेंट, वो टुकली हिंदी में क्या करता है, चीटिंग नकल करना, नकल करता है कि नहीं करता है। एक ही टीचर साल भर आपको पढ़ाता है, हमको पढ़ाता है, और वही क्वेश्चन बनाता है, वही नकली करता है कि नहीं करता है, स्टूडेंट के ऊपर नजरदारी रखता है, और वही टीचर रिजल्ट पास फेल बनाता है। तो प्रकृति ऐसा है, टीचर बोल देता है क्वेश्चन देने के बाद तुम ए लिखो, हम कैसे बताएंगे प्रकृति, हम तो टीचर है प्रकृति का, तो टीचर को मालूम है कैसे एग्जामिन लेना है, कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे टीचिंग करना है।
अब इस बात पर तो प्रेसिडेंट बहुत से लोग सवाल उठा सकते हैं ना, मुझे नहीं जानना आपसे कि आपको कैसे पता, लेकिन जो 800 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं ना, उनके मन में ये सवाल आया होगा कि आप कैसे कह सकते हैं। बोली ना फोन करने के लिए, करेंगे आपको फोन जैसा आपका ऐसे एपिसोड देखेंगे। फोन करेगा कोई कोई कांग्रेस का आदमी तो हमको गाली देता है। अच्छा, यस्टरडे भी गाली दिया, धमकी दिया, धमकी दिया कांग्रेस का, बोलता हम कांग्रेस का मेंबर है। अच्छा, हमको गाली दिया, बोलता आप बीजेपी का, अरे हम तो बीजेपी का भी नहीं है, कोई धर्म का नहीं है, हम तो सबका घर का संतान हूँ, संतान दल का संतान, सभी घर का जितना इंसान है, जीव है, सब हमारा परिवार है, सो वो परिवार का संतान हूँ, तो हमको धमकी देता मारेगा, कोई कानून वाला बोलेगा तुमको अरेस्ट कराएगा। सात बात बोलने का हक है कि नहीं? आज सात बात नहीं बताएंगे तो ऊपर वाला हमको डंडा मारेगा मरने के बाद। बिल्कुल हक है प्रेसिडेंट, लेकिन कुछ तथ्यों के साथ कुछ बातें होती हैं। देखिए हार्ड तत्व तो देखिए जी, माता पिता बेटा बेटी को शादी दिलाता है, शादी का बाद वो हिंदी में फूलसज्जा को क्या कहती है, सुहागरात। सुहागरात में क्या होता है, माता पिता सभी रिश्तेदार को मालूम है, वो बताने का चीज है, बोलो बताना क्या चीज है? नहीं तो बच्चा को बताएंगे तुम कैसे जन्म लिया हमसे, तुम्हारा माता से? नहीं, ये अलग बात हो गई ना। नहीं, बोल रहे हो कि कैसे कैसे बर्बादी होगा, कैसे दोबारा सृष्टि होगा, ये सबको पता है, जानकारी मिल जाएगा तो वो लोग सुधर जाएगा, जो सुधर जाएगा उसको तो क्वेश्चन पेपर लीक करने का वहां भी हो जाएगा। हम जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बताते हैं उसमें अगर आदमी लोग सुधार जाए तो ठीक है, एक गाइडलाइन एंड लाइन हम दे दिया, ठीक है, वो सुनने का बाद नहीं सुधरेगा मरेगा। तो ये जो होगा इसमें जब सारे लोग मर जाएंगे, क्या सब मर जाएंगे या कोई बचेगा? नहीं, कुछ तो रहेगा। अच्छा, कौन रहेगा फिर? कौन रहेगा? जो अच्छा इंसान होगा वो रहेगा, और अच्छा इंसान जो जो प्रकृति का बंदा होगा वही रहेगा, कोई अल्लाह का बंदा, भगवान कृष्ण का बंदा, राम का बंदा, कोई नहीं टिकेगा। देख लेना, राम बोला मैं भगवान हूँ मेरे को पूजा करो, कृष्ण बोला मैं भगवान हूँ मेरे को पूजा करो, फिर तो शिव जी ने बोला मैं भगवान हूँ मेरे को पूजा करो, अल्लाह आसमान से बोला मैं अल्लाह हूँ मेरे को अल्लाह अकबर बोल के बुला रहा हूँ, हम आएंगे। को भी अल्लाह आया मस्जिद में, हनुमान चालीसा हर रोज होती है, हनुमान कहाँ है भाई? अभी अभी हनुमान को भी पूजा करना है, खुद को पूजा नहीं करने का है। मैं खुद भगवान हूँ, खुद अल्लाह का बंदा हूँ, ईश्वर का बंदा हूँ, मैं खुद खुद को पूजा नहीं करेंगे, पुतला को पूजा करेंगे, मिट्टी को पूजा करेंगे, किसी को नहीं पूजा करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, जो हमको खिलाता है, जो हमको पैदा किया, जिसका जरिया लेके हम पैदा हुआ, जन्म लिया, उसका हमारा कीमत नहीं है तो उनका भी कीमत नहीं, उनका कीमत है तो मेरा भी कीमत है, आपका भी कीमत है। तो प्रेसिडेंट इसके हिसाब से बस आप बचेंगे, फिर कोई नहीं बचेगा? नहीं, हम बचेंगे तो हम बोला नहीं, जो प्रकृति का लाइन में रिदिम में सुर में रहेगा वही जिंदा होगा बचेगा। जखन भूमिकम्प है बा সাইক্লোন হয় পাখিরা তখন চিৎকার করে আওয়াজ করতে থাকে, বিড়াল কুকুরা চিৎকার করতে থাকে, মানুষ কিন্তু ঘরে বসে টিভি দেখে। যাব ভূকম্প আনে वाला होता है तो पक्षियों को पता चल जाता है, वो पहले से ही थोड़ा विचलित हो जाते हैं, जीव जंतुओं को भी पता चल जाता है, वो विचलित हो जाते हैं, लेकिन इंसान अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा होता है तो को नहीं पता होता, उनको नहीं समझ में आता। नहीं नहीं, उनका विवेक तो बोलता है, सुनता कान है। हर इंसान का अंदर विवेक कौन है भाई, वही तो हमारा सृष्टि करता है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसलिए अभी लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन पुराने समय के जो लोग हुआ करते थे, बहुत पहले की जब बातें हम करें ऋषि मुनियों के टाइम की, तो उनको पहले पता चल जाया करता था कि बारिश आने वाली है, पता चल जाया करता था, सब पता चल जाता था। हाँ, वो लोग तो खुद मालिक नहीं बनता है। हाँ, वो नहीं बनते थे, वो प्रकृति का दास बन के रहती है, जीती है बिल्कुल, इसलिए वो लोग
प्रकृति का मापिक है, वही तो प्रकृति है। विदाउट पेड़ पौधे जीव जंतु हम जिएंगे नहीं, जिएंगे वो तो इको बैलेंस करता है। तो अभी बोलिए ना, जितना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट में जस्टिस लोग है, तो कितना विद्वान है, पढ़े लिखे है। तो जितना मिनिस्टर लोग है, स्टेट का हो सेंट्रल का हो, वो लोग जब मर जाएगा तो अब उनका विचार नहीं होगा। जो लोग सबका विचार कर रहा है कोर्ट कचहरी में, तो जस्टिस लोग को विचार कौन करेगा भाई मरने का बाद? सही बात, वो सोचता है कि नहीं? नहीं सोचता। एडवोकेट लोग चोर डाकू को बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए करता है कि नहीं? दो दिन पहले मोदी और चीफ जस्टिस मिलके बात कर रहा है, पूजा में किया था, इसके बारे में कितना आलोचना समालोचना एंटी बात सब किया है। क्या जरूरत है? संविधान क्या है? प्रकृति का तो संविधान नहीं है। प्रकृति में हर चीज हमको सबको बराबर हक है, तो इसमें कौन किसका घर में जाएगा, कौन किससे मिलेगा, इसके लिए एडवोकेट लोग बड़ा बड़ा कानून दिखाता है। अरे मरने के बाद तेरा कानून कहाँ जाएगा? तो कौन सा कानून लेके पार हो जाएगा? बड़ा बड़ा बात करता है। रविंद्रनाथ ठाकुर जब मर गया, मरने से पहले वो जनगण मना किया नहीं किया? वो जब पैदा हुआ वहां वहां करके करके करते करते आया, हार्ड धरती का 800 करोड़ आदमी कोई भी धर्म का हो, वो वहां वहां करते करते माँ का गोद से आया। फिर जब मरेगा 800 करोड़ आदमी सभी धर्म का, क्या करेगा? ऐसे तो करेगा मरने से पहले, हिलता नहीं सकेगा। उसको पकड़ के हिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। तो दादागिरी तब रहेगा। नोबेल विजयी हो और महाज्ञानी हो, जस्टिस हो, मिनिस्टर हो, राजा हो, चाकर हो, सर्वेंट हो, सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। जब बार आता है ना, सब एक ही टीला में सभी जंतु जानवर आदमी इंसान एक जगह में, कोई किसी को अब नजर नहीं रखता। देख ले, ऐसा परिस्थिति आने वाला है। अगर आदमी सुधर जाएगा, नहीं हुआ, हमारा प्रकृति का बात हम आप लोग को बताता हूँ, सुनना सुनिए, मत सुनिए, हमारा क्या नुकसान है? हमारा काम तो हम कर रहे हैं, हमारा नंबर तो वहाँ मिल जाएगा। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, प्रोफेसर लोग लेक्चरर लोग आते थे, हम देखा, हम तो कभी सिगरेट दारू पीता नहीं था, हमारे पिताजी भी नहीं पीते थे। तो पीछे हमारा सब स्टूडेंट लोग प्रोफेसर का सामने, लेक्चरर का सामने सिगरेट पी रहा है, स्कूल का अंदर, क्लास का अंदर। तो टीचर तो देखता ही नहीं, देखता है तो भी नहीं देखता है। अच्छा, वो लेक्चर देता है, भाग चला जाता है। तो हमारा काम है प्रकृति का बात बताना। कोई सुनेगा सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा। हम कोई पुरी दे जो घंटा बजाएंगे, भाई पैसा दो, दक्षिणा दो, बताओ भाई पंडित जी की तरफ। तो इसलिए प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हम चाहते हैं या संतान दल या बालक ब्रह्मचारी का जो आइडियोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्योंकि ये चीज़ इन्हें अंदर से इतना परेशान करी कि मानव जाति का भला हो, मानव जाति का भला हो इसी में होगा कि वो अपने ऊपर आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने ऊपर खुद को रिस्पेक्ट करना सीखें। एज ए ह्यूमन बीइंग हम कोई खुद ही चलता फिरता मंदिर है, हमारे अंदर सबके अंदर देवता है, हम खुद ही देवी हैं, खुद ही शक्ति हैं, देवी की देवता है। तो हमें बाहर जाके मंदिरों में इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यही सिंपल सी चीज़, एक सरल सी चीज़ बालक ब्रह्मचारी जी भी लोगों को समझाना चाहते थे, प्रेसिडेंट भी यही चाहते हैं कि अपने भले के लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरने के बाद जब आपको जहाँ भी जाना है, ऊपर जाना है, आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड तो अच्छी बना के लेके जानी पड़ेगी, तो उसमें क्या नंबर मिलेंगे आपको हर जगह अगर जीरो मिला होगा? देखिए, भारतवर्ष का जब पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मेरा महागुरु जन्मसिद्ध महान, जो कभी किसी से एक पैसा दीक्षा देने का बाद, ज्ञान देने का बाद नहीं लिया, 1960 साल में उनको अरेस्ट किया, 500 पुलिस लेके, उस टाइम चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन थे,
भुवनेश्वर जब मरने वाला है वो आके दीक्षा लेके गया गुरुजी वाला मोहन जी से। आपका टीवी में देखिए ना, जवाहरलाल को आशीर्वाद दे रहा है, राधा कृष्ण को आशीर्वाद दे रहा है, सभी छवि तो है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है भाई। और उन्होंने ही पहले अरेस्ट किया था। बढ़िया, गुरुजी को अरेस्ट करने के बाद बोलता है अरे नेताजी कहाँ है बताओ। जिस नेताजी का कारण से हमारा देश का स्वाधीनता मिला, ब्रिटिश तो महात्मा गांधी का जब पगलापन है वो हंगर स्ट्राइक करता, क्या करता है अनशन करती है, सब पागल है बुढ़बाग कह का। और नाथुराम मार दिया ना, अच्छा क्या, नाथुराम नहीं रहता तो हम मार देता उसको। बेकूब आदमी है, जाति का जनक बन गया साला, अभी कहाँ है उसको पूजा कर रहा है, वो तो भगवान बन गया धरती में। अभी मोदी भी उसको सपोर्ट करता है, पर मोदी तो आपके फेवरेट है। मोदी देखिए, मोदी मोदी का एक काम खराब है, दूसरा काम तो अच्छा है ना जी। हम खराब काम को हम बाईपास करता हूँ। अच्छा, जो एक अच्छा काम करता है धरती के लिए वो तो चोर नहीं है। मोदी तो चोर नहीं है, कांग्रेस का जो राहुल का जितना परिवार है सब तो चोर है। हम डांट के कहते हूँ, हम दिखाएंगे उसका पैसा कहाँ है, चोर है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, अगले एपिसोड में इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप जैसे कि बता रहे हैं कि उनके पास सारा पैसा है और वो चोर हैं, चर्चा इसको आगे बढ़ाएंगे लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल अभी वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में हमने समझा जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पर क्लियर किया कि दुनिया नहीं खत्म होगी, भूकंप इत्यादि जो चीज़ें आ रही हैं उससे बहुत सारे मानव खत्म होंगे और बचेगा वो इंसान जो प्रकृति के नियम को फॉलो कर रहा होगा। तो प्रकृति से आपको जुड़ने की ज़रूरत है और प्रकृति से जुड़ना हमारी और आपकी, हम सबकी ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती है, कभी हमें कुछ गलत करने को नहीं बताती, ना धोखा करना सिखाती है। तो इसके साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार के पास में पैसे हैं, चोरी के पैसे हैं, उनसे जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 2665050657, IFSC कोड ICIC000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर 6291342066983503। ईमेल आईडी संतान दल 1960@gmail.com।